हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं ऑयल पेस्टल से ब्यूटीफुल ड्राइंग, जो ब्यूटीफुल डे के ऊपर है, क्रिसमस डे। सो स्टार्ट करते हैं। मास्किंग टेप से कवर करने के बाद एक रफ स्केच बना लेंगे जिंगल बेल का। और जो मैं इसमें ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहा हूँ वो डॉम्स के 50 शेड वाला ऑयल पेस्टल है। मास्किंग टेप की मैं कटिंग करके इस पर स्टिक कर दूंगा, जो हमें लाइटिंग देनी है जहाँ जहाँ, जिससे हमारा ऑयल पेस्टल का कलर इसके ऊपर नहीं आए। ओके, बैल के अंदर हम सेंटर में वाइट ऑयल पेस्टल को यूज़ करेंगे, जिससे हमारी अच्छी शाइनिंग दिखे। और साथ में ये डार्क ग्रे कलर में यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही अपने वाइट ऑयल पेस्टल से ब्लेंडिंग करते चलेंगे। ये ब्लैक ऑयल पेस्टल मैंने यूज़ किया और साथ में इसके ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर ऑयल पेस्टल यूज़ किया है। फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना होगा जो हमारी ये जिंगल बेल है, हमें इसको बिल्कुल क्लियर लेके चलना है, रियलिस्टिक लेके चलना है इसको। और जो हमारा बैकग्राउंड है उसे हमें थोड़ा ब्लर करना है, जिससे हमारा ये एकदम 3D लुक लगे। तो बैकग्राउंड को हम ज़्यादा क्लियरिटी नहीं लेके चलेंगे, उसको थोड़ा ब्लर करते जाएंगे इस टाइप से। इसमें मुझे जहाँ ग्रीन कलर की यूज़ लग रहा है, वहाँ वहाँ मैं थोड़ा टेक्सचर ग्रीन कलर का दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये जो इसका बैकग्राउंड है, इसे मैं लाइट ग्रे कलर से इसकी बैकग्राउंड कवर कर रहा हूँ। जो हमारे इसके जिंगल बेल का जो रिबन वाला ये पोर्शन है, हम इसको फ्री छोड़ देंगे इसको। फ्रेंड्स, अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो इसमें ऑयल पेस्टल में ब्लेंडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो समर सीजन आता है, उसमें ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाती है, क्योंकि ये एक मॉम टाइप में होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक हेयर ड्रायर है, इससे मैं थोड़ा हीट देने के बाद में ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग इसके बाद में हीट देते ही हमारी ब्लेंडिंग स्मूथ होने लगी, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत ठंड है। गर्मियों में मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ब्लेंडिंग गर्मियों में बहुत अच्छी होती है। हमने बैकग्राउंड में ये मास्किंग टेप स्टिक की थी लाइटों के लिए, ये हमने रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया है। इसमें मैंने लाइटिंग के लिए सेंटर में वाइट पेस्टल यूज़ किया और साइडों से डीप येलो, और इसकी ब्लेंडिंग भी कर दी। फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारी जिंगल बेल हैंग हुई हुई है, उस ट्री की, जो क्रिसमस ट्री की हमारी पत्तियाँ हैं, उनको हम क्लियर कर देंगे। और ये हमारी पिक इस टाइप की लगनी चाहिए, एकदम बैक साइड पूरा ब्लर होना चाहिए। और ये जिंगल बेल, और जिस टहनी के ऊपर हमारी ये जिंगल बेल लटकी हुई है, वो हम क्लियरिटी कर देंगे, उसमें क्लियर लेके चलेंगे उसको। रेड कलर से मैं इसका रिबन क्लियर कर दूंगा, और जो इसमें जो थोड़ी शाइनिंग दिखानी है, उसे वाइट पेस्टल यूज़ करूँगा। तो इसमें भी ब्लेंडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसे भी अपने जो ड्रायर है
उससे थोड़ा हीट कर दिया मैंने इसको, जिससे ब्लेंडिंग इजी हो जाए। और फ्रेंड्स, जो इसमें मैं पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ वो है अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल, जो मैंने इसमें यूज़ किया है वाइट, रेड, ब्लैक। सो फ्रेंड्स, ब्लैक पेंसिल से मैं वो चीज़ें इसमें क्लियर कर दूंगा जो मुझे इसके ऊपर नज़र आ रही हैं, जिस तरह मिरर में नज़र आती हैं। और वाइट पेस्टल से मैं इस पर थोड़ा टचिंग कर दूंगा, वाइट पेस्टल्स की डाउन साइड में, जो हमारा एकदम इस टाइप की लगे, जो लाइटिंग है जो बैल के ऊपर भी नज़र आए। ओके फ्रेंड्स, आप देखते रहें इस टाइप से इन चीज़ों को क्लियर करते चलें। और साथ ही ये है वाइट जेली रोल पेन, और हाईलाइट के लिए मैं इसकी टचिंग कर रहा हूँ। ये है येलो जेली रोल पेन, येलो कलर का है, इससे भी थोड़ी टचिंग कर देंगे हम। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये ड्राइंग पसंद आई होगी। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।